नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवानी। घट स्थापना और नवरात्रि पूजा माँ दुर्गा की भक्ति और साधना के सरल माध्यम है। कई श्रद्धालु नवरात्रि में अपने घर पर मंगल घट स्थापना करते हैं। हर साल भारी संख्या में लोग नवरात्रि धूमधाम से मनाते हैं। श्रद्धालु नवरात्रि के हर दिन को खास बनाने के लिए कुछ नया करना पसंद करते हैं। इस बार नवरात्रि 26 सितंबर 2022 से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी इन सरल माध्यमों से माँ दुर्गा की आराधना करना चाहते हैं तो हम आपकी कुछ हद तक इस वीडियो के माध्यम से मदद करना चाहेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि नवरात्रि में घट स्थापना का महत्व क्या है और घट स्थापना क्या है। नवरात्रि में घट स्थापना का बड़ा महत्व माना गया है। यह माँ दुर्गा की भक्ति का सबसे सरल माध्यम है। अगर आप भी इस नवरात्रि माँ दुर्गा की भक्ति करना चाहते हैं तो आप इस सरल उपाय को अपना सकते हैं। और अब बिना वक्त ज़ाया किए हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे आप घट स्थापना या मंगल स्थापना अपने घर पर कर सकते हैं। बता दें कि नवरात्र पर्व के प्रथम तिथि को कलश स्थापना घट या छोटा मटका से आरंभ होता है। इसके साथ 9 दिनों तक जलने वाली अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। इसे आप बड़े ही आसानी से अपने घर के पूजा स्थल पर स्थापित कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ कुछ नियमों का पालन करते हैं तो वो भी अति शुभ होगा। तो चलिए जानते हैं घट स्थापना के लिए शुरुआत कहां से करें। सबसे पहले तो आपको पूजा स्थल पर कलश या घट को रखने के लिए सही स्थान का चयन करना होगा। आपको बता दें कि ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व देवताओं की दिशा माना गया है। इसी दिशा में माता की प्रतिमा तथा घट स्थापना करना उचित है। इससे पहले आप घट स्थापना के लिए कलश पर स्वस्तिक बनाएं। इसके बाद कलश पर मौली बांधें और उसमें जल भरें। कलश में साबुत सुपारी, फूल, इत्र और पंचरत्न व सिक्का और अक्षत यानी रोली में सने चावल भी डालें। आप अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार इस कलश में शतावरी जड़ी, हलकुंड, कमल गट्टे व चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा कि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में ही हो। इसके बाद पूजन स्थल से अलग एक पाटे पर लाल व सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। इस पर अक्षत से अष्टदल बनाकर इस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। सबसे जरूरी और ध्यान देने योग्य बात, कभी भी कलश का मुंह खुला ना रखें, इसे किसी चीज़ से ढक दें। आप चाहें तो उस पर नारियल भी रख सकते हैं या फिर प्लेट से ढकना चाहते हैं तो आप उस प्लेट में चावल भर दें, खाली ढक्कन ना रखें। दीप प्रज्वलित करने के बाद इष्ट देव का ध्यान करें। अब कलश के सामने गेहूँ और जौ को मिट्टी के पात्र में रोपें। इस ज्वारे को माता जी का स्वरूप मानकर पूजन करें। अंतिम दिन ज्वारे का विसर्जन कर दें। साथ ही आपको ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगी जो कि ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहला, माता प्रतिमा के सामने अखंड ज्योति जलाएं तो उसे आग्नेय कोण यानी कि पूर्व दक्षिण दिशा में रखें। पूजा करते समय मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। दूसरा ये कि कई लोग नवरात्रि में ध्वजा भी बदलते हैं। ध्वजा की स्थापना घर की छत पर वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में करें। तीसरा, पूजा स्थल के सामने थोड़ा स्थान खुला रहना चाहिए जहां बैठकर ध्यान व पाठ आदि किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करें। जय माता की।